आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, फोर्थ विल बच थाउन किताब उन ख्याल पेज नंबर 66। गांधी जी सोन टॉपिक, गांधी जी बड़े इंसान दोस्त लीडर थे। आज पढ़ने से पे दबा यूस से गांधी जी उस महात्मा गांधी यमिस बापू इस वाना अस्ती नाव छ मोहनदास करमचंद गांधी। दबा यस उस इंसान दोस्त लीडर कुस उस गांधी जी, वो फिरका परस्ती के नासूर के खिलाफ थे। दबा सस उस तंग नजरी तस्बस खिलाफ उस अत नासूर यूस सो अत उस खिलाफ गांधी जी। वो कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। दबा गांधी जी उस वाना हिंदू मुस्लिम सिख के सारी ऐसे जी बोई बोई, इन्हें आपस में मोहब्बत रवादारी और भाईचारा के साथ रहना चाहिए। दबा योज दबा हम हसे गसन आपस में मोहब्बत सान मेल जोल कर आखे के सद यक जाए पकित भाईचारा को दोस्ती सान हसे गसन आखे से रोजी। गांधी जी तशद्दुद के भी खिलाफ थे। दबा गांधी जी उस तशद्दुद खिलाफ उस अमन को वाथ यसान अमन सान उस यसा मसला हल करो। इन्होंने अदम तशद्दुद का प्रचार किया। दबा एम एस को अदम तशद्दुद को अदम तावन न करना, अदम तशद्दुद को अदम तावन न करना ताकि तिमुक प्रचार को। वो कहते थे कि हमें इन लोगों से भी मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए जो हमसे नफरत करते। दबा गांधी जी उस वाना अस पे तिम लूकन सहब्त सान पेश अस नफरत करना चे। इत कन सोन मजहब वना चे दबान चे अगर अस तसे का तह पे जुल्म आ कर मगर तुम मा करू तमिस वापस कह या तह बुरा भला कह मगर तुम मा करू तुम वनू सब मोहब्बत सान। गांधी जी रंग नस्ल और जात पात के भेदभाव के मुखालिफ थे। गांधी जी उस हस नस्ल क्रहन सफेद अत जात पात हो जम जो अत खिलाफ तस गांधी जी भेदभाव गो फर्क कर अत खिलाफ तस गांधी जी। गांधी जी दपा सारी लूक सारी हस खुदा बनम कुनी कह जात पात कह क्रहन कह सफेद सारी हस तो हरिजन लोगों के साथ जो नारवा सलूक इस वक्त रवार था इसे देखकर गांधी जी को बहुत दुख होता था। हरिजन यम हिंदुस्तान मज़ हिंदुओं मज तबका निचली जात लूक मान वारिया गरीब तुम निचली तबका वाना गरीब तबका यहां वन हिंद छूत छात लूक तम छूत यमें सत्या सत्या वन बुर नजर। गांधी जी उस अत खिलाफ इसे देखकर गांधी जी को बहुत दुख होता था। युथ गांधी जी वो अम दुख गसान इन्होंने जात पात के भेदभाव के खिलाफ आवाज एम तुल अत खिलाफ तुलम आवाज जात पात खिलाफ। गांधी जी गांव की तरक्की के खवा थे। गांधी जी उस गांव की तरक्की तरक्की यहां दपा उस गांधी जी उस वन ये गाम तरक्की पजीर आल मुल्क तरक्की पजीर इन आज वन गुन गए गाम तरक्की याफ्त आ मुल्क तरक्की वन आज गांधी जी तम दोन उनका ख्याल था कि अगर देहात खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। दबा गांधी जी उस वन अगर हसे देहात गाम गाम हसे आसन खुशहाल तेल मुल्क तो खुशहाल। इसीलिए इन्होंने घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। दबा घरेलू दस्तकारियों पर हसे दूत गांधी जी जोर के दस्तकारी के हाथ से चीजें बनाना क्या गई दस्तकारी के हाथ से चीजें बनाना अत पे दूत गांधी जी जोर। गांधी जी का ख्याल था कि इंसान की मेहनत जरूरी है। गांधी जी दबा इंसान सी मेहनत हसे जरूरी अगर मशीनों ने इंसान की जगह ले ली और इंसान का सारा काम मशीनों ने करना शुरू किया तो इंसान बेकार हो जाएंगे। गांधी जी उस वन अगर हसे मशीनों सारे काम इंसान से करे तो इंसान हसे गए बेकार। वो खुद भी चरखा काटते थे तो बस उस यंत्र चलावा और चरखे को इन्होंने बड़ा रिवाज दिया। दबा प्रथ का करो यंत्र कटो से प्रथ का 1948 को एक अफसूसनाक वाकया पेश आया। दबा कुनू शत 48 मजा अख अफसूसनाक वाक जब इंसानियत के दुश्मन नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक्त गोली मार दी जब वो इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। आम तौर से वन नथ मोर गांधी
یہ ونان یہ دپان نتھو رامن ہسا چلو تمس گول کمس گاندھی جی یس ہسا چلو نتھو رامن کنوہ شیتھ ارتجیس من گول تو مورو یل سہ عبادت کرو اس طرح ملک کے ایک اس طرح ملک کے ایک عظیم اس طرح ملک کے ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا اس طرح ملک ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا ملک کے ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا مگر یہ اس طرح ملک ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا دپان ملک ہسا گو اس ہسا بوڑ بار لیڈر ہسا اس یہ ہسا گو ملک ہسا گو ام نش محروم گسن گو کیا محروم کت ونان گسن کھو دینا کیا ونان اس ہسا رو یہ لیڈر کس لیڈر رو گاندھی جی رو اوتام مکلو صبح لکھو کوشچن خدا حافظ